हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कार क्वेस्ट। मेरा नाम है भूपेंद्र और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड हंटर 350। और अभी मैं हूँ मोंगा मोटर्स के शोरूम में। अगर आप कोई भी रॉयल इनफील्ड की बाइक लेना चाहते हैं, कोई भी डिटेल्स आप चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स इस शोरूम की मिल जाएंगी, तो आप कॉल करके यहाँ बाइक के बारे में जान सकते हैं। सो ये जो नई हंटर 350 है, इसे भी वही जाने माने जे प्लेटफॉर्म पर ही डिज़ाइन किया गया है, जिसपे ऑलरेडी मीटियोर 350 और क्लासिक 350 इनकी बाइक्स आ रही थी, तो ये काफ़ी सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक चेंजेस यहाँ किए गए हैं, जैसे कि फ्रेम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर दिया गया है, व्हील बेस जो है इस बाइक का थोड़ा छोटा कर दिया गया है, और इसी तरह की चीज़ें हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हमें दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर लीजिए। कारक्वेस्ट वन सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे और कारक्वेस्ट फेसबुक पे, तो वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए। सो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बाइक के वेरियंट के बारे में, क्योंकि इसका लुक जो है बाइक का वो काफ़ी रेट्रो है, काफ़ी रोडस्टर काइंड ऑफ लुक है। तो इसके जो वेरियंट का नाम है वो भी कुछ इसी तरह का है। जो इसका बेस वेरियंट है उसका नाम है रेट्रो, और जो इसका टॉप वेरिएंट जो मेरे पास अभी खड़ा है ये है मेट्रो वेरिएंट। और यहाँ पे कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो जो बेस वेरिएंट है रेट्रो, वहाँ पे आपको दो कलर ऑप्शंस मिलेंगे, फैक्ट्री ब्लैक एंड फैक्ट्री सिल्वर। लेकिन इस मेट्रो वेरिएंट के अंदर आपको 6 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, 3 मोनोटोन और 3 ड्यूल टोन। सो यहाँ मोनोटोन के अंदर आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, डैपर वाइट, डैपर एश एंड डैपर ग्रे कलर। और ड्यूल टोन में आपको अगेन 3 कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं, वो है रेबल ब्लैक कलर, रेबल ब्लू कलर एंड वन मोर कलर इज देयर, रेबल रेड कलर। तो यहाँ पे 6 कलर ऑप्शंस इस मेट्रो वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अब फ्रंट में आपको इस बाइक का सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो फ्रंट जब आप इस बाइक का देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड, जो कि रॉयल एनफील्ड की सभी बाइक्स में आपको देखने को मिलता है राउंड, यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ आपको हेडलैम्प्स दिए गए हैं। LEDs का यूज़ अभी भी नहीं किया गया है। सो यहाँ पे आप जो सस्पेंशन देख रहे हैं, ये टेलीस्कोपिक ड्यूल सस्पेंशन आपको यहाँ मिलते हैं, 41 बोर का ये सस्पेंशन है, और इसका जो ट्रैवल है वो 130 mm का ट्रैवल इन सस्पेंशन का है, जो कि काफ़ी सही है। जब भी आप कहीं राइड पे जाएंगे या कहीं जर्क्स जो है वो आपको ज़्यादा यहाँ ड्राइवर को महसूस नहीं होंगे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ दी गई है। उसके बाद जो मड गार्ड है यहाँ पे, इसको प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, लेकिन ये काफ़ी सही है, नीट एंड क्लीन, और काफ़ी सही दिख रहा है इधर से भी, जिस तरह का ये कलर दिया गया है यहाँ सस्पेंशन के ऊपर। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं दोनों तरफ, जो कि नॉर्म्स है अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अगर टायर्स की बात करें तो 17 इंचेस के टायर्स यहाँ आपको इस हंटर 350 में आपको मिलते हैं। ये जो आप डिस्क देख रहे हैं, ये 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, ड्यूल चैनल ABS ब्रेक्स आपको यहाँ हंटर 350 में दी गई हैं, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। अलॉय जो है वो काफ़ी सुंदर यहाँ लगता है, ब्लैक कलर का है। यहाँ से थोड़ा सा अगर नहीं देख पा रहे तो मैं इधर से कोशिश करूँगा, तो डिज़ाइन जो है अलॉयज़ का वो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर यहाँ अलॉय दिए गए हैं। हालाँकि जो बेस वेरियंट है, जो रेट्रो वेरिएंट है, उसमें आपको स्पोक्स मिलते हैं, वहाँ पे अलॉयज़ आपको नहीं मिलेंगे, मेट्रो वेरिएंट के अंदर ही आपको अलॉयज़ मिलेंगे। अब थोड़ा साइड से बाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जब साइड से आप बाइक देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ थोड़ा फ्रेम में चेंज किया गया है, तो जो फ्रेम है वो थोड़ा सा छोटा किया गया है। इसका व्हील बेस जो है वो 1370 mm का व्हील बेस अब इस बाइक का है, हालाँकि विड्थ जो है वो 800 mm है, इसी और साथ ही इसकी जो सीट हाइट है वो भी 800 mm इस बाइक में दी गई है, तो काफ़ी सही है सीट हाइट। साइड से जब आप इस बाइक में देखते हैं तो इधर से ये एग्जॉस्ट जो है ये थोड़ा रफ ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है, और जो एग्जॉस्ट है वो भी काफ़ी छोटा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। जो यहाँ पे आपको राइडर के लिए जो आपको फुटरेस्ट मिल रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ दिया गया है, और आप देख सकते हैं जो ब्रेक्स हैं ये ऑफ रोड सपोर्टिव ब्रेक्स आपको दी गई हैं, तो ये मेनली जो है आप एडवेंचरस टूरर जो बाइक्स आती हैं उनमें आप इस तरह के देखते हैं ब्रेक्स, तो यहाँ हंटर 350 में भी यही दिया गया है। यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पर ये पूरा फिनिश दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इस ब्लैक कलर के साथ तो ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड में यहाँ पर भी प्लास्टिक है ये, और यहाँ पे रॉयल हंटर 350 का आपको बैज देखने को मिलेगा, काफ़ी सुंदर ये लग रहा है। मैं एक बार बैठ के थोड़ा आपको बताता हूँ। सो मेरी जो हाइट है वो एक एवरेज मेल की जो हाइट होती है इंडिया में 5'8" मेरी हाइट है, उस हिसाब से मैं आराम से यहाँ बैठ पा रहा हूँ। मेरे दोनों तरफ जो पूरे पैर हैं वो अच्छे से लग रहे हैं। ये टैंक जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा ये टैंक लग रहा है। यहाँ पे ये जो कलर है ये ड्यूल टोन कलर है, जो मैंने बताया था रेबल ब्लैक कलर इसको बोलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। रॉयल इनफील्ड का यहाँ पे एक छोटा सा बैज दिया गया है, यहाँ पे आपको R देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ आपको एनफील्ड का EN है तो वो देखने को मिलेगा, तो काफ़ी सही यहाँ पे
लग रहा है ये। और ये जो फ्यूल टैंक है, ये 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ मिलता है, और इसकी ARI फिगर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फ्यूल टैंक की बात कर रहा हूँ तो 36 किलोमीटर पर लीटर का इसका ARI फिगर है, जो बना देता है इसको मोर देन 450 किलोमीटर्स की इसको रेंज देने के काबिल ये बाइक बना देता है, तो काफ़ी सही है ये। सो अब बात करते हैं रेयर टायर की और रेयर के इस बाइक की। तो रेयर टायर जो है वो भी 17 इंच का अलॉय, काफ़ी सही मैट ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ अलॉय दिया गया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। हालांकि ये थोड़ा डिज़ाइन चिप जाता है जब यहाँ इस तरफ से आप देखेंगे, तो यहाँ पे 270mm का ये डिस्क ब्रेक आपको मिल रहा है, काफ़ी सुंदर ये लगता है। और ये जो ये अटैचमेंट है यहाँ पे चेसिस की इस टायर के साथ, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये ब्लैक फिनिश के अंदर दी गई है। यहाँ पे आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल ये शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं दोनों तरफ इस बाइक में, तो काफ़ी सही चीज़ है। और ये काफ़ी सफिशियंट है, क्योंकि इस बाइक का जो वेट है वो अब थोड़ा कम कर दिया गया, 180 kg आपको हंटर 350 का वेट मिलने वाला है, जो कि इसकी मीटियोर या क्लासिक से कम कर दिया गया, लगभग 15-20 kg का फर्क आपको देखने को मिलेगा। और पीछे वाले टायर की प्रोफाइल भी मैं आपको बता देता हूँ, 140x70 आपको ये टायर की प्रोफाइल मिलती है, तो पीछे से देखने में टायर भी काफ़ी वाइड और काफ़ी सही लगता है, और इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप जो ये देखते हैं, ये जो पीछे की तरफ आपको मड गार्ड दिया गया है, इसका जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं, उसके लगाने के बाद ये थोड़ा डिज़ाइन इसका चिप जाएगा, बट ये काफ़ी सही है। यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर दिया गया है, ऊपर की तरफ जो लाइट्स हैं यहाँ पे टेल लाइट्स, तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ राउंड लाइट्स मिलेंगी, राउंड आपको ये इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये भी प्लास्टिक का थोड़ा यूज़ किया गया है, ये जो एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे आपको ये ग्रैब रेल्स मिलेंगी, सो यहाँ इस वेरिएंट के अंदर, मेट्रो वेरिएंट के अंदर आपको इस तरह की ग्रैब रेल मिलेंगी, लेकिन जो इसका बेस वेरिएंट है रेट्रो, वहाँ पे आपको थोड़ी ग्रैब रेल्स थोड़ी अलग तरीके की मिलेंगी। सो अब सीट की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिंगल सीट आपको दी गई है, और जो यहाँ पे पीछे का हिस्सा है सीट का, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया गया है, तो ये जो राइड हाइट के हिसाब से ये सीट जो है वो काफ़ी सही है। मैंने अभी बैठ के भी देखा तो उस हिसाब से काफ़ी सही लगती है। कुशनिंग जो है वो भी बाइक की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही कुशनिंग यहाँ दी गई है। सो जब इधर से आप बाइक देखते हैं, तो यहाँ मैंने बाइक थोड़ी चेंज कर दिया है, कलर जो है वो आपको डिफरेंट लग रहा होगा, थोड़ा सा लाइट का इशू था इसलिए। सो यहाँ से भी आपको बाइक जो है वो ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको ये पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, इंजन की यूनिट पूरी की पूरी। यहाँ पे आपको ये गियर लीवर मिलता है, और ये काफ़ी छोटा है, और यहाँ पे जो आपको ट्रांसमिशन मिलता है वो 5-speed ट्रांसमिशन है, तो एक गियर आपको नीचे की तरफ मिलेगा और बाकी 4 गियर्स जो हैं आप अगर ऊपर की तरफ आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे भी ये काफ़ी सही है। अगेन जो राइडर के लिए आपको यहाँ पे फुटस्टेप मिल रहा है वो थोड़ा आगे की तरफ दिया गया है। ये छोटे छोटे हैं लेकिन सफिशियंट हैं आपके हिसाब से, मतलब आराम से इस पे पैर रखा जा सकता है, एकोमोडेट किया जा सकता है। ये जो चेसी का पार्ट है इसको भी ब्लैक कलर दिया गया है, तो पूरी चेसिस को अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है कि ये बाइक के अंदर जो है वो मिल जाए, ऐसा नहीं है कि कुछ और सा बाहर की तरफ आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा, ये काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे जो चेन सेट है इसके ऊपर एक कवर लगाया गया है, तो ये यहाँ पे प्लास्टिक का कवर यूज़ किया गया है, तो इसको लेके थोड़ी सी ऐसी थ्योरी शायद हो सकती है कि मेटल ये चेन जब भी कुछ थोड़ा सा लूज़ होगी तो मेटल में थोड़ा ज़्यादा साउंड करती है, यहाँ शायद साउंड जो आपको कम सुनने को मिले, तो यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। हालांकि पहले थोड़ा मेटल का ज़्यादा यूज़ होता था, काफ़ी सही ये लग रहा है। सो ये चेसिस के यहाँ पे देख लीजिए आप, कितने अच्छे तरीके से यहाँ इंजन के साथ जो है इसको अटैच किया गया है, तो काफ़ी सही ये लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको एक सिंगल हॉर्न ही मिलने वाला है, वो यहाँ आगे की तरफ है। हॉर्न मैं एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ, हॉर्न की थोड़ी सी, सो काफ़ी सही साउंड है भाई मेरे हिसाब से। सो अब आ जाइए भाई, अब आपको मैं थोड़ा सा इसका हैंडल और मीटर दिखा देता हूँ। सो अब आप इसका मीटर देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको ये एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, और बीच में छोटी सी आपको डिस्प्ले मिलती है जहाँ पे आपको ये फ्यूल गेज मिल रही है, साथ ही आपको यहाँ पे ट्रिप मीटर यहाँ पे मिल रहा है, तो ये काफ़ी सही है। और गियर इंडिकेशन भी आपको इस बाइक में मिलने वाला है, और नीचे की तरफ आपको ये फ्यूल का, वार्निंग का, बैटरी का, न्यूट्रल, ABS का, तो ये सारे के सारी ऑप्शंस आपको इस छोटे से राउंड से मीटर के अंदर मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। हालांकि इसमें एक साइड में भी यहाँ पे आप एक छोटा सा नेविगेशन मीटर लगवा सकते हो, तो वो एसेसरीज़ का पार्ट है, ऑप्शनल है, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो, लगभग 5,000 रुपये उसकी कॉस्ट है जेन्युइन एसेसरीज़ में रॉयल एनफील्ड की, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हैंडल के बारे में बात करते हैं। सो हैंडल जो है वो काफ़ी सही अच्छे से यहाँ रखा गया है, जैसा कि मैंने बताया था जो फुटरेस्ट हैं राइडर के वो थोड़ा पीछे की तरफ किए गए हैं, और हैंडल को भी थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट हैंडल है, तो यहाँ बैठते हुए आपको थोड़ा सा स्पोर्टी फील महसूस होगा, तो काफ़ी सही ये है। लेफ्ट साइड में हैंडल में यहाँ पे आपको लाइट के हाई बीम और लो बीम के लिए ये स्विच दिया गया है, और स्विचेस जो हैं ये सर्कुलर स्विच यहाँ दिए गए हैं, ये भी काफ़ी सही चीज़ है, अच्छे तो लग रहे हैं। अब ये कितना सस्टेन करेंगे, कितने अच्छे हैं क्वालिटी में, वो तो टाइम के साथ, यूसेज के साथ ही पता लगता है।
मिलता है भाई, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर का बटन मिलता है, यहाँ पे आपको होन के लिए बटन मिलता है। होन मैंने आपको अभी सुनाया, काफ़ी अच्छा है। अब राइट साइड में यहाँ देख लीजिए हैंडल के, ये अगेन यहाँ पे सर्कुलर टाइप का, यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच के लिए ये मिलता है, और स्टार्ट भी आप यहीं से करते हैं। स्टार्ट में अभी करके आपको जो है इसका एग्जॉस्ट नोट जरूर सुनाऊंगा, और यहाँ पे आपको ये ऑल फोर इंडिकेटर्स रेडियस लाइट ऑन करने के लिए बटन मिलता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है तो वो बताना ज़रूरी है, तो यहाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें USB चार्जर का ऑप्शन है, तो ये इस तरह से ओपन होगा, एक स्प्रिंग के साथ है, ये अपने आप बंद हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे, और काफ़ी टाइट है भाई। तो यहाँ USB चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। अब मैं इस बाइक को स्टार्ट करके थोड़ा सा इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ। नीचे आके काफ़ी सही और स्मूथ सा इसका एग्जॉस्ट नोट है, थोड़ा रफनेस भी है, थोड़ा सा स्मूथनेस भी है, तो इसको मिक्स बनाया गया है, जैसा कि एक रेट्रो बाइक के अंदर, एक रोडस्टर के अंदर होना चाहिए। तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी सही मुझे लगा, अच्छा लगा, वाजिब सा लगा, कोई ज़्यादा भी नहीं है, कोई कम भी नहीं है, तो ये काफ़ी सही है। अब बात करते हैं इस बाइक के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन प्राइसिंग के बारे में। सो सेफ्टी की बात करने से पहले तो भाई जो भी बाइक राइड करते हैं वो हेलमेट ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। सो हेलमेट के बिना कभी भी बाइक राइड ना करें। इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है, डिस्क ब्रेक्स आपको मिल रहे हैं, साइड स्टैंड जो है वो अलर्ट आपको यहाँ मिल रहा है, आपको यहाँ पे लो बैटरी इंडिकेशंस आपको यहाँ मिल रहा है, किल स्विच मिल रहा है, तो काफ़ी सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा इंजन की बात कर लेते हैं, तो इंजन जो है वो काफ़ी सही है भाई। आप मीटियोर 350 में भी देख चुके हैं, क्लासिक 350 में देख चुके हैं, तो सेम इंजन आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे 349cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, जो पावर जनरेट करता है 20.2 PS की 6100 RPM पे, और टॉर्क जनरेट करता है 27 Nm का 4000 RPM पे, और इसकी टॉप स्पीड जो है बाइक की वो लगभग 114 km/h की टॉप स्पीड इस बाइक की है, तो वो भी काफ़ी सही है। तो ये तो थी इंजन की बात। वारंटी की अगर मैं बात करूँ, तो स्टैंडर्ड वारंटी जो मिलने वाली है वो 3 ईयर्स और 30,000 किलोमीटर्स तक जो भी पहले आ जाए। इसके अलावा आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं, वो आप अपने लोकल डीलर से पूछ लीजिए कि आपको एक्सटेंड कराने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं सबसे मेन प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे दो वेरियंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस जो है टॉप वेरियंट में थोड़ा वेरी करते हैं कलर्स के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं बेस वेरियंट जो रेट्रो वेरियंट है उसका प्राइस आपको बता देता हूँ। उसका प्राइस है 1,49,900 रुपीज़, और साथ ही इस जो बाइक का प्राइस है वो मोनोटोन कलर ऑप्शन में आपको प्राइस है 1,63,900 रुपीज़, और इस ड्यूल टोन ऑप्शन के साथ अगर आप ड्यूल टोन ऑप्ट करते हैं इस मेट्रो वेरिएंट के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक्सशोरूम पे करना पड़ेगा 1,68,900 रुपीज़। सो ये तो थी हंटर की प्राइसिंग, और इस बाइक को हमने राइड भी किया, जिसमें हम इसको हाईवे पे और सिटी में दोनों जगह राइड किया, मैंने और विनय ने दोनों ने। तो राइड करने में भाई बाइक बहुत सही लगी, इसके सस्पेंशन सेटअप सही लगे, ब्रेकिंग जो है वो मैंने थोड़ा सा एक स्पीड में एक जगह बाइक को चलाया और इसकी ब्रेकिंग चेक की, तो ब्रेकिंग भी काफ़ी सही हमें इस बाइक की लगी, काफ़ी अच्छा था और काफ़ी हल्की थी, मतलब क्योंकि स्टैंडर्ड हम यहाँ भी अभी हम सर्विस के लिए अपनी स्टैंडर्ड को लेके आए थे, तो स्टैंडर्ड को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं चली बट फिर भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। उसके मुकाबले बाइक थोड़ी हल्की और मनूवरिंग के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, सिटी ड्राइव जो है वो काफ़ी सही हमें लगी। तो ये वीडियो से जाने से पहले भाई लाइक कर दीजिए, और हमारा ये ग्लिम्स जो है टेस्ट ड्राइव का ये भी लास्ट में देखते जाइए। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।